अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके परिंदे भी बिल्कुल ठीक होंगे। ये मेरे पास एक मुर्गा है जो बीमार हो गया, इसका गला ख़राब हो गया, इसको रेशा हो गया, रेशा नज़ला ज़ुकाम हो गया। तो आज इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या ट्रीटमेंट है। मैं इसके लिए बनाऊँगा कावा और इसको देंगे, इसके नज़ले ज़ुकाम के लिए बेहतरीन है वो। कावा बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ और यही बताता हूँ किस तरह उसको देना है। ये देसी इलाज है, इसके इंग्लिश इलाज मैं आपको बताऊँगा। पहले कावा बनाते हैं और इसको देते हैं, फिर बाकी जो है मैं आपको इसका इंग्लिश इलाज ही बताता हूँ। दोस्तों कावा बनाने के लिए आपको जो चाहिए वो सारा यहाँ मैं निकाल के रखा हुआ है, आपको बताता हूँ कावा किस तरह बनाना है। तो कावा बनाने के लिए सबसे पहले आप लेने हैं मोटी इलायची चाहिए आपको। ये मोटी इलायची है जैसे आप देख सकते हैं, काली मिर्ची, थोड़े सौंफ, ये लौंग चाहिए आपको, ये लौंग है, गुड़ चाहिए, गुड़ और दालचीनी, जैसे आप देख सकते हैं दालचीनी है। ये सारी चीज़ें आप इतनी मिकदार में ले लें, थोड़ी थोड़ी मिकदार में, और एक लीटर पानी में इसको अच्छी तरह उबालें। ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक लीटर पानी में आपने इसको उबालना है। एक लीटर पानी में डाल के आप इसको चूल्हे पर रखते हैं और जब पानी आधा लीटर रह जाए तो आप इसको उतार लें और ठंडा होने दें। एक लीटर पानी में इसको आपने बनाना है, जब आधा लीटर पानी रह जाए तो वो आपका कावा तैयार हो जाएगा। इसको ठंडा कर लें और फिर मुर्गे को दें। मैंने ये कावा बनाया है मैंने, अभी ये ठंडा हो गया है तो मैं आपको बताता हूँ मुर्गे को किस तरह देना है और क्या तरीका है। मेरा मुर्गा ये कल रात से प्यासा है, कल रात से इनको पानी, वैसे सब्जी में मैं निकाल देता हूँ, मगरब के टाइम पानी हटा देता हूँ, तो सुबह 9-10 बजे जो है नीम गर्म पानी देता हूँ सारे परिंदों को। सब्जियों में आप भी कोशिश करें इसी तरह करेंगे, मगरब में पानी निकाल लें और फिर सुबह 9 बजे के टाइम जो है थोड़ा हल्का नीम गर्म पानी दें, जिससे बीमारी लगने के चांस कम हो जाते हैं। तो मुर्गा मेरा प्यासा है, मैं देखता हूँ अगर ये पहले डायरेक्ट पीते हैं, मैं इसको डालता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ, इसको कटोरे में डाल के रखते हैं पीने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ रेशे की निशानियाँ क्या क्या है। इसकी आवाज़ बिल्कुल बंद है, ना ये जान दे पा रहा है, ना ये शोर कर पा रहा है। अगर मैं इसको पकड़ता हूँ ये शोर भी नहीं कर सकता, और इसकी आप सुने जिससे आवाज़ें निकाल रहे गले से। ये देख रहे हैं आप, इसको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, इससे गला ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, रेशा हो गया इसको। तो अभी इसको देते हैं इंशाल्लाह ये कावा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद ही मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, इसको कावा देते हैं, तो देते हैं इंशाल्लाह। कवर कर कावा मैंने इसको डाल दिया है, चलो ये पिएगा, मैं देखता हूँ। अगर ये खुद नहीं पीता तो फिर इसको मैं सिरिंज के ज़रिए इसके मुंह में डालूंगा कावा, जिससे इसके अंदर जाएगा और दवाई कुछ असर करेगी। ये कावा देने के अलावा आपने एक सिरप आता है उसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ सिरप। वो सिरप आपने सुबह शाम दोपहर इसको 3 टाइम देने की चम्मच, इंशाल्लाह उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। वो सिरप मैं आपको दिखाता हूँ, कावा इसने पीने शुरू कर दिए, कावा ये पी रहा है। इसके अलावा शेफ इंस्पेंशन के नाम से ये सिरप आता है, आप देख सकते हैं ये सिरप है। तो इस फॉर्मूले में आपको कोई भी अगर मिल जाए, ये पाउडर शेप में आता है, इसको आपने 20 ml पानी डाल के 20 ml पानी डालकर इसको बनाना होता है, ये सिरप है। तो ये सिरप बनाने के बाद आप डालें इसको सुबह शाम दोपहर 1 चम्मच, इंशाल्लाह इससे ही बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो दूसरा इलाज है वो ये कि पेंसिलिन टीका मिलता है 5 लाख, पेंसिलिन 5 लाख, और पेंसिलिन 5 लाख जो होगा वो पाउडर शेप में होगा। इसमें नैरोबियन इंजेक्शन में पेंसिलिन मिला के आपने 2 cc को लगा देना है गोश में, और 1 cc जो है इसके मुंह में मारना है, तो इससे भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, आपको नज़र आएगा फ़ायदा। ये 2 तरीके हैं, एक ये कावे वाला तरीका है और ये पेंसिलिन और नैरोबियन का तरीका है, जो आपको बेहतर लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है इसी कावे से ठीक हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम जो है कभी अगर मेरे को लगाना पड़ा इंजेक्शन तो आपको मैं इंजेक्शन भी लगा के दिखाऊंगा किस तरह लगाते हैं। आज के लिए इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो में समझ आई होगी बात, और परिंदों का बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कोई बात कुछ नहीं हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप।